हे फ्रेंड्स, तो क्या आपको पता है कि मैड मैक्स फ्यूरिया फिल्म के लिए फिल्म के डायरेक्टर जॉर्ज मिलर की तरफ से पहले 40 थेरोन को ही कास्ट किया जा रहा था, ताकि उन्हें इस फिल्म में लेकर डीएच की टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए और उनके आइकॉनिक कैरेक्टर को फैंस के लिए एज एन सर्विस सर्व किया जाए। लेकिन बाद में चीजें चेंज हुई और हमें मिली एना टेलर जॉय, जो अभी इस फ्यूरिया के यंगर कैरेक्टर का रोल इस यूनिवर्स में प्ले करेगी। लेकिन अगर उसके पीछे के रीजन की बात की जाए तो डीएच की टेक्नोलॉजी बजट के हिसाब से बहुत ही अच्छे खासे पैसे खर्च करवाती है, जिसका एग्जाम्पल हमने विल स्मिथ की जेमिनी मैन और नेटफ्लिक्स की दी आयरिश मैन फिल्म में देख रखा है। बाकी आयरिश मैन फिल्म एक प्राइम एग्जाम्पल है, जिसमें एजेड एक्टर डी एजिंग की टेक्नोलॉजी से भी उस तरीके की एक्शन में परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जितनी मेकर्स उनसे उम्मीद लगा कर रखते हैं। तो जॉर्ज मिलर का भी फंडा कुछ इसी तरीके का था, जिसके डिसीजन का रिजल्ट आपके सामने है। यानी 40 थेरोन उनके अकॉर्डिंग उस लेवल की एक्टिंग और परफॉर्मेंस एक्शन में नहीं दे पाती जैसी उन्हें चाहिए थी। यानी कि डिसीजन सही है या गलत, वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और तब तक के लिए बाय।